बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 2022 तक हम लोग काफी कोरोना वगैरह झेल चुके हैं, लेकिन आने वाला साल 2023 वो हमारे जीवन का, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा साल रहे, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और 100% रहेगा ही रहेगा। तो क्या न्यू ईयर नाइट का, न्यू ईयर का प्लान क्या है गोवा में? न्यू ईयर नाइट का प्लान है, ईश्वर ने इच्छा अच्छा मौका दिया है, हम लोग अहमदाबाद से, गुजरात से आए हुए हैं, और गुजरात से यहाँ देख रहे हैं इतना अच्छा माहौल है, और प्लान है चल जाएंगे। सबसे पहले तो गॉड को, ईश्वर को प्रार्थना करेंगे कि आपने हमें 2022 में जो हमें बहुत अच्छा संभाला, और 2023 के लिए जो है वो ईश्वर देश को और आगे बढ़ाए, हमारे समाज को, हमारे परिवार को, सबको आगे बढ़ाए, ऐसा ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश क्रिश्चियन, वी आर फ्रॉम अहमदाबाद। सबसे अच्छा क्या लगा आपको गोवा में? गोवा में हमें अच्छा लगा कि बीचेस अच्छे लगे। दूसरा, अभी हम अहमदाबाद से, इससे पहले हम 2 साल पहले आए थे, लेकिन यहाँ के रोड्स वगैरह, जो रोड बहुत अच्छे बने हैं, थैंक्स टू नितिन गडकरी जी कि उन्होंने बहुत अच्छे सा ये रोड वगैरह ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो गोवा क्यों सिलेक्ट किया था आपने? गोवा न्यू ईयर पार्टी करने का कारण क्या था और गोवा क्यों चॉइस किया है? गोवा एक ऐसी जगह है, इंडिया में जब भी बीच की बात आती है, एंजॉय करने की बात आती है, तो हमेशा गोवा का ही नाम आता है सबके मुंह पर। तो हमें ये लगा कि हमारी लाइफ में एक ये था, हमने सोचा था कि 31st हमने गोवा में कभी नहीं किया, इस बार हम फर्स्ट टाइम करेंगे, और ये हमें मौका दिया, थैंक यू सो मच। आप इधर सनसेट देखने के लिए गए, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और पहली बार देखा है गोवा में, वैसे तो बहुत बार आए, लेकिन सनसेट का जो मजा है समझो, आज पहली बार लिया तो बहुत अच्छा फील हुआ। क्या 2022 में क्या सफर हुआ था, अभी नेक्स्ट ईयर कैसे सोच रहे हैं? कोरोना के बाद में 2 साल से कोरोना की वजह से कहीं जाना नहीं हुआ था, इससे पहले भी हम गोवा पे आए, लेकिन अभी कोरोना के बाद की जो स्थिति है बहुत अच्छी है, और यहाँ पे आके ऐसा लगा कि सचमुच में कोरोना के बाद से फिर इंडिया चल पड़ा है। क्या प्लान रखा है न्यू ईयर नाइट पार्टी का? नाइट पार्टी का वैसे तो कुछ भी नहीं है, बस सादा सादा ये होगा, क्रूज पे एंजॉय करने। ओके, आपका नाम? शेख मुनाब, और मैं महाराष्ट्र से। और ठीक है सर, कैसे फील हो रहा है कि लास्ट सनसेट देखने आई वुड लाइक टू से फ्रॉम कर्नाटक, बट 25 साल पहले मैं आया था और गोवा का ब्यूटी देख के मैं इधर ही शटल हो गया। सो अभी रिलेटिव गेस्ट सब आए हुए हैं, सो एंजॉय करने के लिए। सर क्या प्लान रखा है न्यू ईयर पार्टी का? क्या जो सोचते हैं वो तो होता ही नहीं है, पार्टी के लिए तो बीच में एंजॉय कर रहे हैं। वी हैव गॉट अ केक टू कट, वी गॉट अ शैंपेन टू चीयर, वी गॉट एंड डेफिनेटली अल्कोहल। गोवा इज द फंटास्टिक प्लेस। बोलिए अभी क्या कुछ करते हैं? अभी कुछ ये नहीं सर, गोवा में इतना 2022 में क्या कैसे लाइफ सफर हुआ, और कोविड हुआ था, अभी लोग भी, अभी जो चाइना और जापान में भी कोविड इंक्रीज हो रहा है, कैसे देखते हैं? इंक्रीज तो हो गया है, सफर तो हो चुके, लास्ट टाइम स्लाइटली इट वाज रिलैक्स्ड, बट दिस ईयर चाइना में अफेक्ट हुआ है, बट डोंट टू वरी, बट इट विल नॉट टू कम टू इंडिया, बिकॉज इंडिया इज ऑलरेडी इम्यूनिटी हो चुका है। चाइनीज में वैक्सीनेशन इतना 100% नहीं हुआ है, और उधर बताना ये करते हैं, दिखाना ये करते हैं, लेकिन इंडिया इज टोटली इम्यून, इंडिया में आने का चांस कम मने आ ही नहीं सकता है। सो एंजॉयमेंट विल कंटिन्यू इन इंडिया। आपका नाम? मिस्टर नंदीश, फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम बेलगाम कर्नाटका, बट शटल्ड इन। थैंक यू, थैंक्स फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू। और कोई ना? दूसरा था।
चाय का मतलब बड़ा पाव चाय।